नमस्कार, बीपी कंपटीशन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो हमारी टेस्ट की सीरीज चल रही है, हर दिन हम टेस्ट लेते हैं, आज हम उसी से संबंधित बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 601 से लेकर 630 तक हर दिन हमारी 30 प्रश्न होते हैं। सभी लोग ध्यान से पढ़ते रहें और अच्छे से तैयारी में रहें, ताकि जैसे ही हमारे 13-14 टेस्ट हो जाएंगे 2 हफ्ते को, यानी अगले संडे को हमारा फिर टेस्ट होगा, ठीक है, आप उस टेस्ट में अच्छा खासा स्कोरिंग करो। इस तरह से आपको शुरू से ही पढ़ाई करनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? 330 में, 332 में, 322 में, या सॉरी 222 में, या फिर 345 में। जब भी बात करें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट, ठीक है, ST और SC की बात करें, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब, दोनों के जब भी बात करें और उनके आरक्षण की बात करें, तो अनुच्छेद 333 जो है सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 333 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में ही, ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया गया है। तो उस बात समझ रही है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अगला प्रश्न का क्या कहना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? पोर्ट ब्लेयर में बंबई हाई कोर्ट की सर्किट बेंच में, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच में, पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाई कोर्ट की सर्किट बेंच में, पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सर्किट बेंच में। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, सभी लोग इसका राइट आंसर दें। आपको बताना है द्वीप समूह, तो जब भी द्वीप समूह अंडमान निकोबार की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है होगा वो क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से समझिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के न्याय क्षेत्र में न्याय का कार्य पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट के की जो खंडपीठ होती है वो देखती है, ठीक है ना, कौन सी देखती है, कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच यानी खंडपीठ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 603 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहता है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तमिलनाडु हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, सभी लोग इसका सही उत्तर दीजिए। जब भी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप न्यायिक क्षेत्र की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा, केरल हाई कोर्ट, ठीक है, यानी केरल हाई कोर्ट और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट, ठीक है, यह कोची में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई। कब हुई? 1956 में हुई। चलिए अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न 604 नंबर है। ये प्रश्न क्या कहता है? कहता है सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति आदेश, कानून द्वारा सांसद, या सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, या केंद्र सरकार की अधिसूचना। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से जो भी सही उत्तर हो आपको करेक्ट करके बताना है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर होगा, कानून द्वारा संसद, यानी संसद को कानून बनाने का अधिकार है और संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है, ठीक है, जितना भी आगे पीछे कर सकती है, ये संसद को अधिकार दिया गया है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। यह संख्या 1856 में 10 की हो गई, 1856 में 10 हो गए, फिर इसके बाद आगे बढ़कर 1960 में यदि हम देखें तो 13 जज हो गए, फिर इसके बाद 1977 में देखें तो 17 जज हो गए, और 1985 में देखें तो 25 जज हो गए। वर्तमान में यदि हम जजों की संख्या की बात करें, वर्तमान में यदि हम सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या की बात करें तो 31 है, 31, ठीक है, 31 जो है यानी 31 जो है वो जजों की संख्या अभी वर्तमान में है। यदि हम अगले प्रश्न की बात करें, 605 नंबर प्रश्न की बात करें, तो 605 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले तो हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। 605 नंबर प्रश्न का कहना है, ठीक है, 605 नंबर प्रश्न क्या कहता है ध्यान से समझिएगा, ठीक है, 605 नंबर प्रश्न ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक का कार्य करना चाहिए, ठीक है, कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में आपको परमिशन मिल जाए। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर बताते रहें, ठीक है, सभी लोग इसका सही उत्तर देते रहें। बिल्कुल बहुत सही आप लोगों ने आंसर दिया है, ठीक है। तो जब भी हम बात कर लिए
तो यहाँ पर यदि बात करें आंसर की, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एक प्रमुख योग्यता की जरूरत होती है, यानी व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीश के रूप में काम करना होता है। यदि 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय के रूप में व्यक्ति काम कर चुका है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, तो वो सुप्रीम कोर्ट के लिए मुख्य न्यायाधीश के लिए दावेदार हो सकता है। तो इस तरह से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 10। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 606 नंबर। दिल्ली को NCT यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, दिल्ली को NCT राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, ठीक है, नेशनल सेंट्रल, ठीक है, ट्राइब, तो संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है, NCT, समझ रहे हैं ना, किस संशोधन से बनाया गया है दिल्ली को, 63वां संशोधन, 69वां संशोधन, 74वां संशोधन या फिर 76वां संशोधन। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, सही उत्तर आपको बताना है। जब भी हम सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है, क्योंकि 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ और इसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। और यदि हम NCT की बात करें यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश की बात करें, तो 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई, ठीक है, राष्ट्रीय प्रदेश राजधानी प्रदेश की यदि हम बात करें तो 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई। चलते हैं हम अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पर है, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है, 15 लाख, 25 लाख, 20 लाख या 30 लाख। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। यदि सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर होगा, 20 लाख। यानी 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत, ध्यान से समझना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत, 3 स्तरीय केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। कितना, 20 लाख से ऊपर है, वहां पर ये 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली शुरू होती है। चलते हैं अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न 608 नंबर कहता है, ये स्टेटमेंट दे रहा है, ध्यान दीजिए, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले यह समझना है क्या समझना है, कार्यकारी शक्ति, ठीक, क्या समझना है, सबसे पहले यह समझना है कार्यकारी शक्ति। तो जब भी हम बात करें तो 3 स्टेटमेंट को हम पहले देख लेते हैं, 3 कथन दिया। पहला कथन, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, राज्य में वास्तविक कार्य प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है, राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है, 3 ऑप्शन। अब 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, तो जब भी इसके सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है 2 स्टेटमेंट सही है, आप पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट, यानी 3 बयान सही हैं, क्योंकि राज्य में कार्यकारी निर्णय राज्यपाल के नाम पर ही लिया जाता है, समझ रहे हैं ना, राज्यपाल, राज्य में जितने भी कार्यकारी निर्णय हैं वो राज्यपाल राज्यपाल के नाम पर ही लिया जाता है, यानी राज्यपाल जब तक मंजूरी नहीं देता तब तक कोई भी निर्णय राज्य नहीं ले सकता। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 609 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है, कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है, राज्य विधानसभा हटा सकती है, संसद हटा सकती है, राष्ट्रपति हटा सकता है या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। जब भी राज्यपाल के कार्यकाल की बात करें, उसे हटाने की बात करें, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको ये बात पता होना चाहिए कि राज्यपाल जो होता है वो प्रदेश का मुख्य होता है, लेकिन राष्ट्रपति कौन होता है, वो क्या होता है, देश का मुख्य होता है। यानी जब राष्ट्रपाल जब राज्यपाल के बाद कोई आपात आती है तो तुरंत राज्यपाल किसको सूचित करता है, राष्ट्रपति को, जाहिर सी बात है सूचित करता है तो उसको हटाने का भी अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है, ठीक है ना। चलिए, तो राज्यपाल जो है जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 610 नंबर कहता है, भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें, ठीक है ना, पहला स्टेटमेंट सिंधी और नेपाली, दूसरा स्टेटमेंट कोंकणी और मणिपुरी, तीसरा स्टेटमेंट बोडो और संथाली, चौथा स्टेटमेंट संथाली और कोंकणी, पांचवा स्टेटमेंट डोगरी और मैथिली। 2003 के, ध्यान से समझिए, 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में ये जो हम 5 स्टेटमेंट आपको दिए हैं, इनमें से कौन सी भाषाएं शामिल की गई हैं भारतीय संविधान में, 2003 के 92वें संविधान संशोधन में। तो जब भी यदि हम बात करें तो इसमें 3 और 5 यानी
आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है, 3 और 5, ठीक है, ध्यान से समझिए। अब 3 और 5 यानी सी नंबर ऑप्शन की बात कर रहे हैं, यानी बोडो, सांथाली, ठीक है, और डोगरी और मैथिली, ये 4 भाषाएं जो है इस पर शामिल हुई। अब ध्यान से समझिए, जो सिंधी थी, सिंधी को शामिल किया गया 1967 में। कब शामिल किया, ध्यान से लिख लीजिए इसको, सिंधी भाषा को शामिल किया गया 1967 में। और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, सिंधी क्लियर हो गई, सिंधी के जस्ट बगल में नेपाली है, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, यानी आप बात करें तो, एक मिनट मैं बता देता हूं, ये एक मिनट, कलर में चेंज कर दिया, ये यदि हम बात करें सिंधी की, तो सिंधी एक ऐसी भाषा थी जिसको कब शामिल किया गया, ध्यान से समझिए, 1967 में। अब नेपाली को ले लो आप, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, यदि तीन भाषा की और बात करें तो ये शामिल हुई थी 1992 में, लेकिन यहां पर बात की जा रही है 2003 की। तो 2003 में शामिल हुई थी बोडो, सांथाली, बोडो, सांथाली, मैथिली और डोंगली, ठीक है। तो यहां पर यदि सांथाली की हम बात करें तो ये सांथाली भी यहां पर शामिल हुई थी, जबकि ये कोंकणी जो भाषा थी, ध्यान से समझिए, ये जो कोंकणी भाषा थी, ठीक है, वो कहां शामिल हुई थी, नेपाली। अब यहां पर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, तो यहां पर कोंकणी भी अटैच हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। ज्यादा खिंच गया, कोई बात नहीं, चलिए कंटेंट क्लियर होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न 611 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। 611 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 611 नंबर प्रश्न का सीधा सा कहना है, कुछ कहता है, क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार करिए, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी, इनमें अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला हुआ है, 1-4, 1-2-4, 1-3, 2-3-4 और 1-2-3-4, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। यदि हम बात करें अल्पसंख्यकों के दर्जा की बात करें, किसे मिला हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 4ों को मिला हुआ है। आप ध्यान से समझिए, भारत में मुस्लिम, ईसाई, यहां पे बात की गई ना, आप ध्यान से समझिए, भारत में मुस्लिमों को भी अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है, सिख को भी अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है, बौद्ध को भी अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है, जैन को भी मिला है और फारसी को भी अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय का दर्जा मिला है। यानी ये सारे जो हैं, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और मुस्लिम, ये 5 के 5 अल्पसंख्यक के अंतर्गत आएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 612 नंबर क्या कहता है, कहता है चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है, यह स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है, इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है, यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संविधिक संबंधित विवादों के मध्यस्थता के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करता है, यह अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायतों और राज्य नगर पालिकाओं के चुनावों के साथ चुनावों में भी चिंतित रहता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, जल्दी से इसका सही उत्तर बताना है। तो जब भी हम चुनाव आयोग के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा, क्योंकि आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है, सही उत्तर क्या होगा, ठीक है, ध्यान से समझना है। यानी इसमें ये चुनाव आयोग की जब हम बात कर लें तो इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है, किसका, 6 साल का कार्यकाल रखने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनको चुनाव आयोग के बारे में इनका व्यक्तियों का समावेश होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न 613 नंबर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझिए। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, पहले 4 अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 12 की बात कही, 72 की बात कही गई है, ये कहता है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दो, कहता है कि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति है, अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट के सलाह क्षेत्राधिकार है, या अनुच्छेद 360 की बात कर लो तो वित्तीय आपातकाल से संबंधित बात करें, अनुच्छेद 148 से 151 तक की बात कर लो तो भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्ति और कार्य करने या कार्य, इनमें से मिलान में सही बताइए कौन कौन सा सही बता रहा है। 4 ऑप्शन आपको स्टेट बताया गया है। तो जब भी यदि हम सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर ये बात समझने लायक है, ठीक है ना, कौन सी बात समझने लायक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है, ध्यान से समझिए। अनुच्छेद 148 से 151 यहाँ पर थोड़ा गलत है, गलत क्या है मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, अनुच्छेद 148 से 151 तक
यहां पे होना चाहिए भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक की शक्तियां और कार्य से संबंधित बात कही गई है। अर्थात 148 से 151 तक किस संबंध में बात कही गई है? बात कही गई है कि भारत के लेखक और महालेखक परीक्षक के शक्तियों और कार्यों की बात कही गई है, जबकि यहां पर कुछ और बता रहा है। इसलिए ये चौथा स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा गलत है। चलिए अगले प्रश्न की यदि हम बात करें, अगला प्रश्न हमारा 614 नंबर है। क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है? यदि व्यक्ति, पहला, यदि व्यक्ति राज्य राज्य सरकार के तहत कार्य लाभ का कार्य कार्यालय रखता है, अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की है, यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है, अगर व्यक्ति को निवारक हिरायत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया या उसे रोक दिया गया, बताइए सही विकल्प आपको चुनना है कौन सा सही है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, सही उत्तर आपको बताना है। यदि हम सही उत्तर की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो सकता है, केवल चार। ध्यान से समझिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अब ध्यान से समझिए, इसमें ऑप्शन नंबर बी में थोड़ा सा लंबा है लेकिन ध्यान से समझना है, क्योंकि समझना बेहद जरूरी है। देखिए अनुच्छेद 102 एक संसद के लिए निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता की बात कही गई है। किसी व्यक्ति में, यदि पहले पहले स्टेटमेंट की बात कर लें अपने इसमें, तो यदि किसी व्यक्ति को या तो संसद भवन के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा, इसमें शर्तें हैं। शर्त एक, अगर वह क्या हो, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के तहत लाभ का कोई कार्यालय रखता है तो कानून द्वारा संसद द्वारा इसे कार्यालय के अलावा उसे धारक अयोग्य घोषित किया जा सकता है। संसद उसे चाहे तो बाहर कर सकती है, या फिर यदि वह अस्वस्थ दिमाग में हो, यानी आप जब वह अस्वस्थ, उसके दिमाग काम ना कर रही हो, अस्वस्थ दिमाग में हो और एक सक्षम अदालत द्वारा उसे घोषित किया गया हो कि वह अस्वस्थ दिमाग में है, तो इस स्थिति में भी संसद क्या करती है, निर्वाचित होने से उसको वंचित कर सकती है, बाहर कर सकती है। फिर यदि अगर वह एक निर्विवाद दिवालिया घोषित किया गया हो, ठीक है, डायरेक्टली ऐसे बिना विवाद का और से दिवालिया पागल घोषित कर दिया गया, बाहर भेज दिया गया हो, स्टेट से बाहर कर दिया गया, तो उस स्थिति में भी वह निर्वाचन के योग्य नहीं रहता। यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, क्या है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर लिया है, या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुपालन की स्वीकृति के तहत वो वहां का नागरिक बन चुका है, इस स्थिति में भी संसद के रूप में निर्वाचित होने के लिए भारत में अयोग्य ठहराया गया, अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो ये हो गए। अब यदि हम दूसरे स्टेटमेंट की, अगले स्टेटमेंट की और बात कर लें, एक बात और हमें जानना इसमें जरूरी है कि यदि वह संसद द्वारा किए गए किसी भी कानून के तहत या उसके तहत अयोग्य है, तो स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को भारत सरकार या किसी भी प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को राज्य सरकार के तहत लाभ के कार्यकाल कार्यालय को केवल कारण से नहीं माना जाएगा। यदि वह संघ के लिए एक ऐसे राज्य का मंत्री है तो भी उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। यदि हम बात करें, यदि किसी व्यक्ति को 10वीं अनुसूची के तहत, कौन सी अनुसूची, ध्यान से समझिएगा, कौन से सूची, 10वीं अनुसूची के साथ यदि किसी व्यक्ति के तहत किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है, तो किसी व्यक्ति को संसद भवन के सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा, यानी वह क्या है, वह संसद के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता रखता है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, थोड़ा सा लंबा था लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी था। अगला प्रश्न हमारा है 615 नंबर। कहते हैं भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन चार राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण में संबंधित है? मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा नागालैंड, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय अरुणाचल नागालैंड, असम मेघालय मिजोरम नागालैंड। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन बताता हूँ, तब तक आप लोग आंसर देते रहें। संविधान की पांचवी अनुसूची असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के चार राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, यानी जिसे भारतीय संविधान की छठवीं अनुसूची से अलग किया गया था, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही उत्तर होगा, असम मेघालय त्रिपुरा। चलते हैं हम अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा 416 नंबर है।
क्या कहता है? 416 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से सही उत्तर आपको करेक्ट करके बताना है। जो भी सही उत्तर है आपको सही आंसर बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा, पहली अनुसूची। ध्यान से समझिए, ऑप्शन नंबर ए पहली अनुसूची, यानी पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। किसमें? पहली अनुसूची में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, 617 नंबर है। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार है? अपीली न्यायाधिकार, सलाहकार न्यायाधिकार, वास्तविक का न्यायाधिकार, वास्तविक न्यायाधिकार, रिट न्यायाधिकार। अब ये बात हमें समझने लायक है, ध्यान से समझिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वास्तविक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वास्तविक न्यायाधिकार। यानी भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केवल केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय वास्तविक न्यायाधिकार के तहत लेने का अधिकार देता है, कि वास्तविक आप लोग आपस में न्याय कर सकते हो। अगले प्रश्न की बात करें, 618 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर पहुंच चुका है। इनमें से कौन सा राष्ट्रपति के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, सही उत्तर आपको बताना है, ठीक है। तो यदि हम सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधानसभा। इस तरह हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। कहता है स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का संविधान की सलाह दी, पंचायती राज में सुधार की सलाह दी, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना की सलाह दी, या फिर हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का अंत क्रिया की सलाह दी? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से समझिए। इस पे थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल होना, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। यानी 1976 में कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल 1975 से 77 के संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्य आवश्यकता है और आवश्यकता के बारे में सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की। इसने जोर दिया कि नागरिकों को सचेत होना चाहिए और अपने अधिकारों और इसने क्या किया, जोर दिया कि नागरिकों को क्या होना चाहिए, सचेत होना चाहिए और उनके पास कुछ कर्तव्य हैं, ठीक है। केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम किया और इस संशोधन ने संविधान में भाग IVA का एक नया हिस्सा जोड़ा। चलते हैं अगले प्रश्न, इस तरह इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 420 नंबर, कहता है लोकसभा में सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, जो भी सही लगे आपको उत्तर देना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, मध्य प्रदेश। यानी लोकसभा में सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को मध्य प्रदेश में आरक्षित हैं, ठीक है। 29 लोकसभा सीटों में से जिसमें 6 अनुसूचित जनजाति के लिए ही है। सोचो 29 लोकसभा सीट हैं जिसमें 6 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, मतलब वो कहीं जा नहीं सकती, 6 उनको मिलना ही मिलना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 621 नंबर, निम्नलिखित कार्यकर्ताओं अधिकारियों को प्राथमिकता के अपने संबंधित क्रम में व्यवस्थित करें। राज्यों के गवर्नर्स यानी अपने संबंधित राज्यों में, प्रमुख राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में केंद्रीय विपक्ष के नेताओं के मंत्रिमंडल मंत्री। 1, 2, 3 इसका राइट आंसर, 1, 3, 1, 2 राइट आंसर, 2, 1, 3 राइट आंसर, या 1, 3, 2 राइट आंसर। सही आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। जब भी इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 ही इसका सही उत्तर होगा। यानी ये तीनों जो ऊपर स्टेटमेंट दिए गए हैं ये सही आंसर होंगे।
अगले प्रश्न की बात करें, 622 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, वन, स्टॉक एक्सचेंज या कृषि भूमि। जब इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा वन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, वन। यानी समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। वन समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, वन में, ठीक है। चलिए, तीन सूची होती है पता है ना आपको, समवर्ती सूची। जल्दी दो दो सूचियों के नाम बताओ जल्दी से फटाफट। अगला अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 623 नंबर। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। जब भी सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, केवल राज्यसभा में। यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। कहां? राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 624 नंबर। कहता है कि सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सड़क परिवहन। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सही उत्तर तो बताना जरूरी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, अब जब इसके सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, गृह मंत्रालय। क्या होगा? गृह मंत्रालय। यानी सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विभाग है, ठीक है। क्या है? सीमा प्रबंधन विभाग जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, यानी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत क्या है, एक महत्वपूर्ण विभाग है। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न की यदि हम बात करें, अगला प्रश्न क्या है, 625 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कहता है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, बाड़मेर, कच्छ। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, सही उत्तर आपको बताना है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है, जल्दी से आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, लद्दाख। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, लद्दाख, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से समझिए। जब इसका राइट आंसर लद्दाख हो गया तो आप ध्यान से समझ लीजिए इसको थोड़ा सा। भारत की पांच सबसे बड़ी लोकसभाएं हैं, लद्दाख 173,226 वर्ग किलोमीटर, बाड़मेर 71,601 वर्ग किलोमीटर, कच्छ 41,644 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल पश्चिम यानी 40,572 किलोमीटर और अरुणाचल पूर्व 39,749 वर्ग किलोमीटर। इस तरह क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्रफल कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर बी लद्दाख राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधान परिषद है? उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, यानी एक, दो और चार, छत्तीसगढ़ नहीं होगा, ठीक है। यानी किन राज्यों में विधान परिषद है, तो उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है और जम्मू कश्मीर, यहां पर क्या है, विधान परिषद है, जबकि छत्तीसगढ़ में नहीं है। अगले प्रश्न की यदि हम बात कर लें, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 627 नंबर। अंडमान और निकोबार यानी आदिवासी जनजातियों का संरक्षण, अंडमान और निकोबार संशोधन विनियमन 2012 संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया गया है, जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेश के मामले में आदिवासी जनजातियों की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है। यह विनियमन निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी रक्षा करेगा? सैपॉन्स की रक्षा करेगा, ओगेंस की करेगा, सेटल्स की करेगा या जरवास की करेगा? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो यदि इसकी बात करें तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा जाए, जरवास। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें, अगला प्रश्न 628 नंबर आपके स्क्रीन पर है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री या फिर केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री, ठीक है।
इस तरह इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सही आप लोग सही से आंसर दें। जब भी इसके हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय गृह मंत्री इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया निधि का संचालन केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस तरह इसका राइट आंसर क्या होगा। अगले प्रश्न की बात कर लें, 629 नंबर प्रश्न की यदि हम बात करें, 629 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग शुल्क और चार्ज किए गए व्यय में शामिल है संसद के घरों में प्रेसिडिंग अधिकारियों के वेतन और भत्ते, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की वेतन और भत्ते, सीएजी की सैलरी और भत्ते, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पेंशन, उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पेंशन। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, ए बी सी डी, जो भी सही लगे आपको सही उत्तर देना है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा 1, 2, 3, यानी तीन सही आंसर है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें, अगला प्रश्न है ना, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सॉरी इसका जो है 600 कौन सा नंबर है आपके, यदि हम बात कर लें तो कौन सा आंसर था आपका, 629 नंबर का आंसर था। ठीक है, 600 इसमें यदि हम बात करें तो 628 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो क्या बन जाएगा आपका, ध्यान से समझिए, 628 नंबर का यदि हम राइट आंसर की बात कर लें तो क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक है, 628 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, फिर यदि हम 629 नंबर की हम बात करें, ठीक है, तो 629 नंबर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2। फिर यदि हम अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न हमारा 630 नंबर और अंतिम प्रश्न बचा हुआ है, केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग्य शुल्क है ना, जब इसकी हम बात कर लें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या बन जाए, इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी सभी जो है सही आंसर हो गए। तो इस तरह आपको क्या करना है, सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहें, अच्छे से सभी लोग आंसर देते रहें, ठीक है, ताकि 15 दिन बाद जो टेस्ट हो उसका सही तरीके से रिस्पांस मिले। और अभी आज का रिजल्ट आ चुका है जो टेस्ट दिया गया था, ठीक है, सभी लोग उसका उत्तर दें और सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, धन्यवाद आप सबको।